वर्कआउट करने से पहले हमें क्या खाना चाहिए, आज का वीडियो इसी बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन एक ऐसा शब्द है जहां पर आपको ये पता चलता है कि आपको जिम जाने से पहले या वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्कआउट करने जब आप जाते हैं तो आपको हाई लेवल की एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी स्टोर रहती है मसल ग्लाइकोजन में। ये मसल ग्लाइकोजन के स्टोरेज से आपको एनर्जी मिलती है, एमिनो एसिड्स आपको एनर्जी देते हैं। तो अगर आपके ये स्टोरेज फुल रहेंगे तो आपको थ्रू आउट द वर्कआउट प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने वाला है, और आपको कहीं से भी आपके परफॉर्मेंस में कमी नहीं आ पाएगी। ऐसी चीज़ आपको लेनी है जो कि धीरे धीरे एनर्जी दे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमें वर्कआउट से पहले लेने चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स है, इसलिए हमें कार्ब्स लेने चाहिए। और किस तरह के कार्ब, जो धीमी गति से पचने वाले कार्ब्स हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में भी हम फलों से भी ले सकते हैं, इसको अनाज से भी ले सकते हैं। फलों में हम जाएँ तो अमरूद है, मौसमी है, नाशपाती है, आपका पपीता है, इन सब चीज़ों से आप, सेब है, इन सब चीज़ों से आप कार्ब्स को ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम होल ग्रेन्स पे जाएं तो आप दलिया है, मूसली है, आटे की रोटी है, इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के रूप में। सिंपल कार्ब्स के मुकाबले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा बेहतर माने गए हैं वर्कआउट को न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे धीरे थ्रू आउट द वर्कआउट आपको एनर्जी देते रहते हैं। धीमी गति से खपने वाले कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फलों के मुकाबले आप होल ग्रेन्स को ज़्यादा वरीयता दीजिए, क्योंकि इनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो थ्रू आउट द वर्कआउट आपकी बनी रहेगी, और फलों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छा बनेगा। केले जैसे तेजी से खपने वाले कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः लोगों की पहली पसंद होते हैं। वर्कआउट से पहले लोग केला खा करके शुरू करते हैं, लेकिन ये एक गलत विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करते हैं। अब जब भी इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होगी तो वो जल्दी कंज्यूम भी होगी, और उतनी तेज़ी से आपको वर्कआउट नहीं करना, आपको डेढ़ घंटे दो घंटे का वर्कआउट है आपका, तो ये एनर्जी जल्दी कंज्यूम कर पाएगी, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा आने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आप इस तरह के सिंपल कार्ब्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो बहुत ही जल्दी एनर्जी देते हैं और बहुत सारी एनर्जी एकदम से देते हैं, अब ब्लड ग्लूकोज के अचानक वृद्धि से इंसुलिन लेवल की में वृद्धि हो जाती है, इंसुलिन भी तेज़ी से रिसेगा उस ग्लूकोज लेवल को नीचे करने के लिए, तो इसमें इस बात की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी कि एनर्जी आपकी मसल ग्लाइकोजन के बजाय वो एडिपोज टिश्यूज में फैट के फॉर्म में चली जाए। तो बेटर इज़ कि आपको धीमी गति से खपने वाले कार्बोहाइड्रेट लेने हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल कार्ब्स के। वर्कआउट से पहले सब्जियां हैं, सलाद हैं, या अधिक रेशे वाले जो चीज़ें हैं उनको लेने से बचना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप अधिक रेशे वाले फल लेंगे तो वो देर में खपेंगे, बहुत ही देर में उनका पाचन होगा, तो एनर्जी जब तक की मिलेगी तब तक कि शायद आपका वर्कआउट ख़त्म हो चुका होगा, और आपको भारीपन भी महसूस हो सकता है। आपको हाई फाइबर की चीज़ें अवॉइड करनी है, साथ ही साथ आपको हाई फैट वाले भोजन को भी अवॉइड करना है, क्योंकि इनको भी पचने में काफ़ी समय लगता है। वेट ट्रेनिंग से पहले लिए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो आपकी मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक की होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि वो आपके मसल ग्लाइकोजन को भर सके, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपके इंसुलिन लेवल को वो तेज़ी से बढ़ा दे। तो अब ये डिपेंड करता है कि मॉडरेट किसको चाहिए और हाई किसको चाहिए, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर आप दुबले हैं, अगर आप थोड़ा आपको गेन करना है, तो आपको वर्कआउट से पहले ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। अगर आप फैट लॉस करने जा रहे हैं, आपका वर्कआउट प्लानिंग अलग है, तो आपको जो है एक मॉडरेट लेवल के कार्बोहाइड्रेट को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो भी आपको हाई कार्ब्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे वर्कआउट के दौरान इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इसके लिए आपकी आपके पास अधिक एनर्जी होनी चाहिए, इसकी वजह से आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि किस तरीके का प्रोटीन हमें वर्कआउट से पहले लेना चाहिए। तो जो भी प्रोटीन हम लें वो आपका धीमी गति से खपने वाला प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी बॉडी को धीमी गति से अमीनो एसिड्स की सप्लाई की जाती है, जो कि अत्यधिक मसल ब्रेकडाउन को होने से रोकती है।
तो BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड से भरपूर प्रथम श्रेणी का जो प्रोटीन होता है वो वर्कआउट से पहले बहुत अच्छा विकल्प माना जा सकता है। जैसे कि हम वे प्रोटीन को अपने वर्कआउट से पहले ले सकते हैं, उसके अलावा केसीन प्रोटीन को ले सकते हैं, या जो बिना मलाई वाला दूध है उससे निर्मित पनीर को हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें भी नहीं उपलब्ध हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं। एग वाइट के अलावा अगर येलो योक पार्ट अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसमें फैट कंटेंट होने के कारण वो एक बहुत बहुत बेहतर विकल्प नहीं होगा। तो आप एग वाइट लेकर के एक दो अंडे तीन अंडे लेकर के आप अपने वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले इस तरीके का प्रोटीन बिल्कुल भी ना लें जो कि देर से कंज्यूम होने वाला प्रोटीन हो, जैसे कि आपका फिश हो गई, चिकन हो गया। इस तरह के जो प्रोटीन हैं वो देर में कंज्यूम होते हैं तो इससे क्या है, एक भारीपन भी बना रहेगा और देर में कंज्यूम होने के कारण वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। वर्कआउट के पहले सेकेंड ग्रेड के भी प्रोटीन्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे पल्सेस हो गए, आपके स्प्राउट्स हो गया, बादाम है, आपका अखरोट है, इन सब में आवश्यक अमीनो एसिड्स की मात्रा की कमी होती है और जिसकी वजह से ये मसल वृद्धि में बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते, इसलिए इन प्रोटीन्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है कि कितनी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए वर्कआउट से पहले। 20-30 ग्राम के आसपास के प्रोटीन को अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली इट वुड बी सफिशिएंट फॉर द वर्कआउट पीरियड। तो अगला क्वेश्चन ये है कि वर्कआउट से कितने समय पहले खाना चाहिए। तो लगभग 30 से 40 मिनट 45 मिनट पहले हम अगर वर्कआउट से पहले का न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है तब तक एक्टिवेट हो चुका होता है, एनर्जी के फॉर्म में जो कुछ भी हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो चुकी होती है। हमें इतना भी नहीं खाना है कि हमें वॉमिट सी महसूस होने लगे या पेट पे भारीपन रहे। हमें केवल इतना खाना है कि हम एक डेढ़ घंटे दो घंटे का जो वर्कआउट कर रहे हैं उस वर्कआउट के दौरान प्रॉपर एनर्जी बनी रहे और वर्कआउट खत्म होने से पहले भूख सी महसूस होने लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स को, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज की पूरी साइंस को बताने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।